आप सब जानते हैं कि पहले सरकारी दफ्तरों में पुरानी फाइलों और कागजों का कितना ढेर रहता था। जब से सरकार ने पुराने तौर तरीकों को बदलना शुरू किया है, ये फाइल्स और कागज के ढेर डिजिटाइज होकर कंप्यूटर के फोल्डर में समाते जा रहे हैं। जितना पुराना और पेंडिंग मटेरियल है उसे हटाने के लिए मंत्रालयों और विभागों में विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। स्वच्छता अब विचारों से आगे निकलकर कर्तव्यों में तो शामिल हो ही गई है, साथ ही ये अब आदत भी बन गई है। इस बदलाव का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को जाता है, जिसकी वजह से हर जगह आज स्वच्छता का वातावरण दिखाई देता है। सरकार के स्तर पर भी स्वच्छता के जो अभियान चलाए गए हैं उसके अभूतपूर्व नतीजे देखने को मिल रहे हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की अगुवाई में इसे लगातार गति मिल रही है। स्वच्छता अभियान 1.0 की सफलता के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता अभियान 2.0 की शुरुआत इस साल गांधी जयंती के अवसर पर की। विशेष अभियान 2.0 की प्रगति की निगरानी एक समर्पित पोर्टल पर दैनिक आधार पर की जा रही है। स्वच्छता अभियान 2.0 के तहत दफ्तरों के लंबित मामलों को निपटाने में तेजी देखने को मिली है। इसके तहत लगभग 88,000 स्थलों का चयन किया गया है, जिसमें पहले दो हफ्ते के दौरान करीब 38,000 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी तरह लोक शिकायतों के 2.95 लाख के लक्ष्य के मुकाबले अब तक करीब 2.19 लाख का निपटारा कर दिया गया है। इसमें 12 लाख से ऊपर फाइलों की समीक्षा का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पहले दो हफ्ते में ही 7 लाख से ज्यादा फाइलों की समीक्षा का काम पूरा कर दिया गया है। दूसरे चरण में अब तक कबाड़ के निस्तारण से 233 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं 5.22 लाख स्क्वायर फुट जगह को खाली कराया जा चुका है। इसके साथ ही 2,651 फाइलें राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित कराई गई हैं। स्वच्छता अभियान 2.0 के जरिए सरकार द्वारा की गई पहल का नतीजा हम हर उस जगह पर देख सकते हैं जहां आम जनता का रोज का सरोकार है, फिर चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या डाकघर या फिर कोई अन्य सरकारी दफ्तर। हर जगह अब स्वच्छ वातावरण दिखाई देता है। सरकार द्वारा अपनाए गए बेस्ट प्रैक्टिसेस का नतीजा है कि कई विभागों ने स्क्रैप के बेहतर प्रबंधन के जरिए ऐसे स्थल तैयार किए हैं जिन्हें व्यापक रूप से सराहा जा रहा है। इसी तरह का एक अन्य उदाहरण बेंगलुरु के एक रेलवे स्टेशन पर दिखाई देता है, जहां पर प्लास्टिक उपयोग न करने की हिदायत देते एक प्रतीक को तैयार किया गया है। ये यात्रियों को तो आकर्षित करता ही है, साथ ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ सेल्फी लेने के लिए भी रुकते हैं और स्टेशन को साफ रखने का संकल्प लेते हैं। 4.5 टन्स वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से करीब 2.5 टन सॉलिड वेस्ट है, ड्राई वेस्ट है, और रेस्ट इज वेट वेस्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिस्टम इस तरह कर रखा है कि जो वेस्ट जनरेशन है उसका सेग्रीगेशन करते हैं, तो डेली बेसिस पे वी सेग्रीगेट ड्राई एंड वेट वेस्ट। केंद्र सरकार के कई अन्य मंत्रालयों ने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाते हुए सार्वजनिक स्थलों पर जनता के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। स्वच्छता को संकल्प से सिद्धि में बदलने के लिए सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें केंद्रीय मंत्रियों और भारत सरकार के सभी सचिवों की भागीदारी है। भारत स्वच्छ बने, सुंदर बने, इसके लिए आइए हम सब मिलकर स्वच्छता अभियान के इस यज्ञ में अपने अपने हिस्से का योगदान दें।